कि सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है तो इस पर वो फैसला कैसे दे सकते हैं? तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था, जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है वो उन्होंने किया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया बीजेपी के हक में। तो इसलिए हमने पहले इसको रिजेक्ट किया, हमने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया इसकी डिस्कशंस में, ये बिल्कुल सिरे से हम इसको खारिज करते हैं। भरोसा रहा देखिए जुडिशरी की जहाँ तक बात है, एक गरीब जाएगा कहाँ और, मगर आपको खुद मालूम है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने खुद बताया है कि जो हमारे निचले लेवल की जो जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो ज़मानत देने से घबराते हैं। तो अगर कोई कोर्ट ज़मानत देने से घबराती हो तो वो फैसला क्या करेगी? तो जुडिशरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनीवन, किसी के लिए भी आखिरी उम्मीद जुडिशरी होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक वक्त था एमरजेंसी में, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के ख़िलाफ़ कोर्ट का फैसला आया, उसको अनसीट किया गया। मगर आज ऐसा है कि आज के वक्त में जो कोर्ट्स ज़मानत नहीं दे पाते हैं, जहां ज़मानत देनी होती तो उनसे फैसले की क्या उम्मीद कर सकते हैं।